शहबाज जूनियर पाकिस्तान की तरफ से आए और गोल पाकिस्तान को ताहिर जमान और गोल उस्मान रोनल्ड जेंसन और गोल पाकिस्तान ने जीत लिया आलमी कप पाकिस्तान आलमी चैंपियन आलमी की गलत पोस्टों के मंसूर ने बचाई पाकिस्तान सिडनी में चौथी दफा आलमी चैंपियन। गोजरा को हॉकी के अनगिनत खिलाड़ी पैदा करने की वजह से मुल्क भर में ओलंपियन विलेज के नाम से जाना जाता है। हर दौर में कौमी हॉकी टीम में यहाँ के खिलाड़ी शामिल रहे हैं। शायद किसी भी दूसरे शहर ने एक खेल में इतने खिलाड़ी पैदा न किए होंगे जितने गोजरा ने हॉकी में किए हैं। दुनिया हॉकी में बात की जाए उस्ताद असलम रोडा की तो वो वाहिद कोच है जिन्होंने 150 से जायद खिलाड़ी हॉकी के तैयार किए हैं, जिन्होंने कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर न सिर्फ गोजरा का बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। गोजरा से ताल्लुक रखने वाले 13 कप्तान 25 से ज्यादा ओलंपियन और 100 से ज्यादा खिलाड़ी कौमी टीम का हिस्सा बन चुके हैं जबकि 15 वेमेन कौमी खिलाड़ियों ने भी गोजरा का नाम रोशन किया। गोजरा से ताल्लुक रखने वाले शहरियों और खिलाड़ियों का मुतालबा है कि जेर तामीर हॉकी स्टेडियम का नाम मरहूम उस्ताद असलम अरोड़ा के नाम से मंसूब किया जाए। हमारे पास तासन रोड अकेडमी में जो 100+ लड़के लड़कियां हैं, हमारे पास अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 और सीनियर लड़के हैं। हमारे पास इस वक्त जो लड़कियां हैं वो 34 लड़कियां हैं जो इस वक्त हमारे पास गेम कर रही हैं। इसमें ये 8 लड़कियां जो इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम में खेल रही हैं जो है, और 5 लड़के जो इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम में मौजूद है सीनियर में। अभी पाकिस्तान का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें उस्ताद असलम रोडा का कोई शागिर्द ना हो। माशाल्लाह अभी पाकिस्तान जूनियर टीम हो, सीनियर हो, वुमेन हो, डोमेस्टिक का कोई भी इवेंट हो उसमें उस्ताद के शागिर्द खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हक उन्हीं का बनता है। गवर्नमेंट को भी चाहिए इस पर, यानी कि स्पेशली इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि जब भी स्टेडियम का नाम अगर किसी के नाम से नॉमिनेट किया जाए तो उस्ताद असलम रोडा का सबसे पहले हक बनता है। मैं डीडी स्पोर्ट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गोजरा स्टेडियम का नाम उस्ताद असलम रोडा के नाम पर रखा जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत ने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के तवस्से से 20 करोड़ रुपए की लागत से ये जो स्टेडियम तामीर कर रही है, ये पाकिस्तान हॉकी को गोजरा से हॉकी के प्लेयर्स और हॉकी की जो बुनियादी नर्सरी है वो वहाँ पहुँचाएगी। ये पाकिस्तान में इंशाल्लाह नंबर 1 जो है ये फील्ड होगा और यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस डेफिनेटली करवाए जा सकते हैं और वही मियार होगा जो इंटरनेशनल ट्रफ्स का और स्टेडियम्स में होता है। स्टेडियम का मियार तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल मियार का बन रहा है, ये बहुत अच्छा स्टेडियम बन रहा है। और गोजरा में जो पहला टूर्नामेंट जो उस्ताद असलम रोडा के नाम से हम उम्मीद है इंशाल्लाह कि 25 अप्रैल तक करवा रहे हैं, उसमें हम ओमान की टीम को भी दावत दे रहे हैं और हांगकांग की टीम को भी दावत दे रहे हैं जो हम 25 अप्रैल से इंशाल्लाह ताला शुरू करवाएंगे। हम लोग पाकिस्तान हॉकी में इसलिए पीछे हैं क्योंकि हम अपने हीरो को याद नहीं रखते। अभी उस्ताद असलम रोडा का कोई नाम हो या उसमें कोई बहस हो तो मैं नहीं समझता। अभी आप हिसाब लगाएं कि 107 लड़के जो पाकिस्तान को इस वक्त इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर जो पाकिस्तान हॉकी टीम को उस्ताद रोडा ने दिए हैं उसमें लड़कियाँ अलहदा हैं ये, और तकरीबन 500 के करीब लड़के हैं जिस जो डिपार्टमेंट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हैं। अभी ये इस आदमी का भी नाम के लिए कोई बहस हो तो मैं नहीं समझता कि हॉकी हमारी तरक्की कर सकती है। हमें अपने हीरो को याद करना चाहिए और उस्ताद रोडा का नाम इस स्टेडियम का रखना चाहिए। हॉकी से मोहब्बत करने वालों का कहना है कि अगर PHF और हुकूमत स्टेडियम को उस्ताद असलम रोडा के नाम से मंसूब नहीं करते तो ये गोजरा और हॉकी के साथ ज्यादती होगी। अच्छी कौमें अपने हीरोज़ को हमेशा याद रखती हैं। गोजरा के शहरियों और खिलाड़ियों का मुतालबा है कि हॉकी स्टेडियम को उस्ताद असलम रोडा के नाम से मंसूब किया जाए। कैमरामैन मतीन इफ्तखार के साथ ताहिर सलीम, दुनिया न्यूज़ गोजरा।